अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबाएं और जब भी नए न्यूज़ अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। चलो अब शुरू करते हैं। स्वागत है, मैं हूं आपके साथ राजकुमारी ठाकुर और आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर पर। देश की आजादी के बाद पहली बार गोंडा से बहराइच बड़ी लाइन की ट्रेनों का उद्घाटन हुआ। ट्रेनों को गोंडा जंक्शन से रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाई। वहीं दूसरी तरफ बड़ी लाइन की ट्रेन का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। बहराइच रेलवे स्टेशन पर गोंडा आ रही बड़ी लाइन की ट्रेन डेमो का बहराइच रेलवे स्टेशन पर पहुंचते ही हजारों लोगों की भीड़ ने जोरदार स्वागत किया और पयागपुर विधायक सुभाष त्रिपाठी स्वयं यात्रियों के साथ ट्रेन की यात्रा कर बहराइच रेलवे स्टेशन पहुंचे और बताया बहुत जल्द यात्रियों की सुख सुविधा के लिए और भी बड़ी लाइन के ट्रेनों का आवागमन होगा और बड़ी लाइन के ट्रेनों का प्रखंड उद्घाटन गोंडा जंक्शन रेलवे स्टेशन से भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरद सिंह और सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा के हाथों द्वारा सम्पन्न हुआ। बड़ी लाइन गोंडा से बहराइच की ट्रेनों का संचालन सांसद सावित्री बाई फुले द्वारा प्रस्तावित हुआ। केंद्र सरकार द्वारा 4 ट्रेनों को गोंडा से बहराइच के लिए हरी झंडी दिखाकर आवागमन शुरू करवाया। बहराइच से अनिरुद्ध मिश्रा की रिपोर्ट। नई रेल ट्रेन चलाने के लिए मांग की गई है और जब तक नई रेल ट्रेन नहीं चलती है तब तक कम से कम 2 बोगी बहराइच के लोगों के लिए को वाया गोंडा और लखनऊ से दिल्ली जाने के लिए लगाया जाए, ये मांग की गई है। मैं बहराइच की जनता के तरफ से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और आदरणीय मनोज सिन्हा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज़ादी के बाद पहली बार बहराइच के लोगों ने को ब्रॉड गेज रेल लाइन दिया है जिससे लोगों को बहुत सुविधा होगी आने जाने के लिए। आज मैं गोंडा से चला हूँ, रास्ते भर भारी स्वागत हुआ है। गंगा धाम, बनगाई, विश्वेश्वरगंज, पाकपुर, योगेंद्र धाम, सिलवरिया और बहराइच हजारों की संख्या में लोग खड़े मिले हैं। बेहद खुशी उन्होंने जाहिर की है और उनको लगा कि हमने जो देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया है वास्तव में हमने बहुत अच्छा काम किया है जिसके कारण से हमको नई रेल लाइन और नई ट्रेन मिली है। नरेंद्र मोदी जो मनकापुर से प्रयागराज एक्सप्रेस चलती है उसे भी बहराइच से चलाया जाए और इसी के साथ ही बड़ी संख्या में लोग बाबा धाम जाते हैं, बाबा भोलेनाथ नगरी जाते हैं। आसनसोल एक्सप्रेस जो गोंडा से चलती है उसे बहराइच से चलाया जाए, ये मांग की गई है।
और फिलहाल के लिए इंडिया न्यूज 7 में इतना ही। और भी ताजा खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।